आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हम शामिल कर रहे हैं, ये प्रश्न यूपी से है। रवि सागर साहब की तरफ से ये प्रश्न है। इन्होंने मेंशन किया ये यूपी पुलिस में है और ये पिछले 5 साल से जॉब में है। इनको अभी लोन की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन चाहिए करीब 5 लाख का। बलबन साहब, इसमें जैसे हम देख रहे हैं इनका सैलरी अकाउंट, इन्होंने कहा PNB में है, इसमें आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, ये कैसे इसको लेकर मूव कर सकते हैं? क्या जहां पर इनका सैलरी अकाउंट है पहले वहीं पर ट्राई करें, और इसको किस तरह से इस प्रोसेस को आगे मूव करने के लिए बढ़ें? देखिए ऐसा सौरभ जी, की जो पर्सनल लोन है वो तो अनसिक्योर्ड लोन होती है, तो जो लेंडर है अगर उसके पास बोरोअर का कुछ हिस्ट्री वगैरह होगा तो उसको कंफर्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से प्रेफरेबली सबसे पहले उनका जहाँ पर सैलरी अकाउंट है वहाँ अप्रोच करना चाहिए, और जो इनकी जो इनकम है तो उनका 2 साल के आसपास का उनको वो पर्सनल लोन मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहती है जी। इनके केस में जितनी इनको लोन की रिक्वायरमेंट है और जो इन्होंने सैलरी बताया, इनको लगता है थोड़ा ये टफ हो सकता है उतना लोन मिलना, अगर कोई और लोन ना भी चल रहा अगर हम माने तब भी, इन दैट केस भी ये एलिजिबिलिटी जिस तरह से फॉर्म होगी आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा जो हम देखते हैं नॉर्म्स थोड़े टाइट रहते हैं ज़्यादा पर्सनल लोन फ्रंट पर, तो इन दैट केस कैसे ये एक्सपेक्ट करें, कितना बाकी अगर कोई लोन नहीं चल रहा है एलिजिबिलिटी किस तरह से फॉर्म होगी? जैसे मैंने बताया 1 साल से 2 साल के बीच में जो आपकी एनुअल इनकम है उसके उतना लोन मिलता है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर नौकरी करते हैं। अगर कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो जैसे इनकी 2 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख के आसपास का उनको ये पर्सनल लोन मिल सकता है। और जो कहीं अगर PNB से ले रहे हैं तो मेरे को लगता है 15% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रिलेटिवली दूसरे लेंडर से थोड़ा सस्ता भी है जी। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपसे बातों बाती तो और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दी जाती है, लेकिन ये जो सीमित प्रश्न था उसके अकॉर्डिंगली राय है। अगला सवाल ये हिमाचल से है, रमेश कुमार साहब का है। इनको एक फ्लैट के लिए होम लोन की रिक्वायरमेंट है, जो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 35 लाख है, और ये जानना चाह रहे हैं मैक्सिमम कितने लोन के लिए ये आगे बढ़ सकते हैं, कितना इनको मिल सकता है ये जॉइंटली इनकी और इनकी वाइफ की, जो हम देख रहे हैं मंथली पैकेज है वो स्क्रीन पर इस समय है। बलवंत साहब, ये जॉइंटली मूव कर रहे हैं, नो डाउट इसमें एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये प्रश्न के अगले पहलू में हम ये भी देख रहे हैं इनका एक रनिंग कार लोन भी है, तो जब तय किया जाएगा तो उसमें ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि लेंडर देखेगा टोटल आप कितना EMIs जो एक सैलरी का 40-45 मैक्सिमम जो पॉसिबल है उसमें इसको भी शामिल करते हुए होम लोन तय किया जाएगा कितना दिया जा सकता है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो आपकी जो कोई भी लेंडर है वो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी जब देखेगा, तो नॉर्मली आपकी जो इनकम है उसका 40 से और जैसे आपने बताया मैक्सिमम 45% तक प्रिज्यूम करते हैं कि आप लोन की सर्विसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रनिंग लोन है तो उसकी EMI जितनी है वो कम हो जाएगी, तो जितनी जैसे 65,000 का इनका इनकम है तो इनका 29,000 रुपये के आसपास का 40% बनता है, उसमें से ये 3,000 रुपया जो है इनका जो एग्जिस्टिंग EMI है वो कम करने के बाद में 26,000 के आसपास उनका स्पेयर EMI बढ़ता है, तो उनको जो ये जो लोन लेना है उनको 24 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्होंने बताया 35 लाख है, पर प्रॉपर्टी की वैल्यू का मैक्सिमम 80% के आसपास मिलता है, और वो भी प्रॉपर्टी की बेयर वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का पेमेंट उनको करना पड़ेगा। तो दो में से जैसे इनकम के हिसाब से 24 लाख है या 35 लाख का 80%, उसमें से जो लोअर है तो वो 24 लाख के आसपास उनको ये लोन मिल जाएगा जी। तो इस तरह से आप ये बढ़िए, ये बाकी डिटेल्स जो है वो कुछ स्क्रीन पर भी इस समय रन हो रही हैं, ये जॉइंट लोन की जहां तक बात है उससे सेंट्रिक है ये। अगला प्रश्न जो हम लेंगे